तो आज कल था संस्कृत का टेस्ट, आज है हिंदी का टेस्ट है। तो बच्चे से पूछते हैं कि आज हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके हिसाब से बच्चे से भी दो चार ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि बच्चे को आता है या नहीं आता है, या वह एग्जाम में बनाया था टेस्ट पेपर में या नहीं बनाया था। उसके लिए फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं। आज पहले हम लड़की से शुरू करते हैं पूछना। तो बोलेगी लड़की, चलो कल्पना कुमारी बोलेगी, खोखा के दांत कितने तोड़े, किसने तोड़े? मदन। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लड़की से, बोलेगी मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण, परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। गलत जवाब है इसका, स्वामी विवेकानंद होगा। चलो चलो हैया जी बोलेगी, इसके बाद बोलेगी मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां से हो सकती है? मुंबई से, पहले ऑप्शन सुन लो, मुंबई से, दिल्ली से, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। सबसे अच्छा है कि सबसे देश का सोना जो कहा जाता है, मेरे हिसाब से गांव है। गांव का मिट्टी में पले भरे वह सबसे मस्त होता है। चलिए एक आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। चलो बोलो, नेवत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्तिगत चित्र, साक्षात्कार। ठीक है, उसके बाद है, चलिए इधर कुछ पीछे भी पूछ लेते। चलो ले, बोलो, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरती, आकार, सुल्तान, पताल। धरती सही जवाब है इसका। चलो बोलो क्वेश्चन। हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ है, हाथ से पैसा गिर जाए, गरीब होना, कुछ नहीं मिलना, पास पैसा न होना। बोलो, चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर, शून्य, अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। आगे है यहाँ, चलो निम्नलिखित में कौन अविस्तीर्ण ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच, SiC। सही है। एक अष्टफलक स्त्रिका निम्नलिखित में कितने बोली से घिरे होती है? 6। एक क्वेश्चन और लेंगे आपसे। एक बोलो, निम्नलिखित में कौन जिंक का आयस नहीं है? जिंक बोले केलेमाइड, बॉक्साइड, जिंकाइड। सही है। चलो उसके बाद लड़का लड़कों से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। बहुत रेस वहाँ चलता। चलिए रुक, रोकना वीडियो का।
घनाकार किस्त में व्यवहार जालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। गलत है, तीन सेकंड चांस भी नहीं होता है। ऐसे एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऐसे एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। गलत हो गया, 4। भागो तू, 4 लगा तू, अपन कल यहाँ पे आओगे। नो, हो गया। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा भ्रष्टाचार। बहुत बहुत अच्छा बोलेगा भाई। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? आजादी प्रसाद त्रिवेदी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत, मैक्स मूलर। वाह, गजब, भीमराव अम्बेडकर।